Hey, what's up guys? क्या हालचाल? I hope so लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस exciting सीरीज के अंदर जिसमें हम सोलो रैंक पुश करते हैं और इसी सीरीज का ये है हमारा 10वां एपिसोड। तो भाई कल के एपिसोड के अंदर हमने भाई इतना स्कोर करके छोड़ दिया था और उसी के साथ साथ हम लोग आ चुके थे भाई रीजन के अंदर विन में, वो भी पूरे 54 प्लेयर्स के अंदर, वो भी 115 विन्स के साथ। और मैं कल की वीडियो अपलोड करने के बाद बिल्कुल भी नहीं खेला था, तो भाई यानी कि हमारे को इस विन में बहुत ही पीछे छोड़ दिया होगा। भाई उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी एंड मेरे को पता भी नहीं है कि हमें विन के अंदर कितने बंदों के अंदर छोड़ा था, लेकिन कोई ना, हम लोग भाई सीधा गेम प्ले करते हैं एंड भाई आपको दिखाते हैं कि भाई हमारी कितनी बढ़ रही है और हम लोग अपना स्कोर कहां तक पहुंचा पाते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो भाई तुम लोग देख सकते हो भाई हमारे नीचे एक एनिमी है जिसने ग्लोबल में कवर कर रखा है, उसको कोई और भी एनिमी मतलब कि फायर कर रहा था उस पे एंड भाई उसको मतलब कि हम लोग मारने की कोशिश करते हैं, थर्ड पार्टी करते हैं एक तरीके से। तो भाई वो बंदा मतलब देख सकते हो आप, दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन गोली करेक्ट नहीं हो रही उसकी ग्लोबल की वजह से। चलो भाई इसको डैमेज पड़ा 200 कुछ का पड़ा है एंड भाई इसके ऊपर मतलब सोनी एक्टिवेट हो गया। चलो ये तो क्लियर हो गया एंड भाई पास से किसी एक और एनिमी की आवाज़ आ रही है, मतलब कि पास से किसी और की आवाज़ आ रही है। देखो भाई इधर एक एनिमी है जो कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, इसको भी मारने की कोशिश करते हैं। ओके, इसको भी हेडशॉट मार दिया एकदम का बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एंड भाई अब हमारे अलावा बच्चे हैं, मतलब कि तीन बंदे और बच्चे हैं और मेरे हो रखे हैं यहाँ पे 4 किल। भाई इस मैच को तो बुआ लेने की पूरी कोशिश करेंगे एंड भाई यहाँ पर मैं लूट वगैरह कर लेता हूँ सबसे पहले। अब भाई लूट लाट के आया ना तो पता चला भाई इस पत्थर के पीछे एक एनिमी है जो कि भाई मतलब कि मेरे को दिख भी रहा है, लेकिन भाई हेडशॉट मारने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इसके, ताकि भाई ये मतलब कवर ना ले पाए, ठीक है, हेडशॉट से सीधा क्लियर हो जाए। बट लेकिन भाई ये बंदा मतलब उछल कूद बहुत कर रहा है भाई, इसकी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है अभी। ओके, इसको हेडशॉट लग गया, इसका सोना एक्टिवेट हो गया है, बट लेकिन भाई ये रिवाइव हो जाएगा धीमे धीरे इसके पास। मैं इस पर रस करूँ क्या, देखते हैं भाई, रस करके देख लेते हैं। बट नहीं यार, थर्ड पार्टी हो सकती है फिर, क्योंकि ये बंदा किसी और से ही फाइट कर रहा था भाई, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और अभी हमारे अलावा भाई तीन बंदे और बचे हुए हैं जो कि यार मतलब कि प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं उस पर रस करता तो। मेरे को थोड़ा बहुत दूर रह के ही फाइट लेनी सही रहेगी क्योंकि मेरे पास एड है दूर के लिए। लेट्स सी भाई क्या होता है, वो बंदा जोन के अंदर तो आएगा ही। तो भाई अब दो बंदे बचे हैं, मतलब कि एक बंदा मर गया है। अब देखो भाई जिसका डर था भाई वही हो गया, इन दोनों के बीच में मैं फंस गया, ठीक है। एंड भाई मैं इधर ग्लोवर लगा के बचने की कोशिश करता हूँ, उन्होंने ग्लू मेल्टर फेंक देता भाई। ये बंदा रस कर रहा है, इसको पीछे से मार सकता, उसने मेरे को देखा नहीं। ओके चलो भाई ये तो मर गया भाई, इसने अभी तो कुछ देर पहले धीमे धीरे यूज़ करा था तो यानी कि अभी इसका धीमे धीरे चार्ज नहीं था। एंड भाई ऊपर बंदा है मतलब टावर के अंदर एंड इसको भी मारने की कोशिश करेंगे जब ये जोन में आएगा। टीम अप कर रहा है भाई ये, बट हम टीम अप नहीं करेंगे क्योंकि भाई अभी के टाइम पर टीम अप करना तो बेकार है। चलो नीचे कूदा भाई, ग्लू लगा ली इसने बहुत तेज और ये नारिया कैरेक्टर भी यूज़ कर रहा है। अबे भाई ये पीछे कैसे आ गया इतनी जल्दी। चलो कोई नहीं, डैमेज तो है भाई, मेरा दिन का पहला ही गेम था तो भाई इसलिए मेरा हाथ ढंग से सेट नहीं था। एंड भाई ये बंदा देखो इतने सेकंड में पीछे आ गया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, बट इसके हेडशॉट लग गया यार तुक्के से। चलो भाई बहुत बढ़िया एंड ये मर गया। और भाई यहीं पे हो चुका है हमारा एक बहुत शानदार बुआ, वो भी पूरे 6 किल के साथ। देखते हैं उस मैच के अंदर हमारी कितनी बढ़ती है। वैसे तो आप लोग कोने से भी देख सकते हो, लेकिन मैं बैक करके दिखाता हूँ हमारी गेम के अंदर कितनी बढ़ी है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो भाई इस मैच के अंदर हमारी बढ़ी है पूरी की पूरी 27। चलो फटाफट से अगले गेम की तरफ चलते हैं। अब भाई इस गेम के अंदर मैंने करा बहुत ही कैडे वाला सर्वाइव, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे 2 किल थे एंड भाई सामने एक बंदा जिसको मैं डैमेज दे रहा हूँ। लेट्स सी भाई ये मरता है नहीं मरता, ऐसे ऑफलाइन हो गया भाई। अभी पता नहीं क्या गेम के अंदर ना पिंग इशू चल रहा है सबका, पता नहीं सबका तो चल रहा है या फिर नहीं, लेकिन भाई मेरा तो चल रहा था भाई, पता नहीं क्या गेम के अंदर पिंग हाई हो रहा था। एंड भाई मेरे को लगता है उस भाई के साथ भी यही हुआ था कि मैं बहुत देर से देख रहा था, ऑफलाइन था वो। एंड भाई मतलब कि उसको मैंने किल कर दिया एंड यहाँ पे मेरे पास में भी बंदा है, मतलब कि नीचे बंदा है एंड भाई इसलिए मैं इस घर में जा रहा हूँ ताकि भाई जोन मेरे पास रहे। ओके, तो भाई अपन लोग इस घर में आ चुके हैं। भाई देखो इधर मेरे को जोन तो मिल ही जाएगा एंड भाई यहाँ पे मेरे पास लूट वगैरह भी ढंकी हो गई, मेरे पास पहले लूट ढंकी नहीं थी। एंड भाई देख सकते हो मेरे को यहाँ पे SVD भी मिल चुकी है जो कि बहुत ही बढ़िया बंदूक है, इससे मैं ग्लोबल के पार ही मार सकता हूँ, ठीक है। एंड भाई नीचे एनिमी है जो उसको हम आने का वेट कर रहे हैं कि भाई वो कितनी देर में तो आएगा, देखते हैं। अभी जोन आने लगे यार, खुद ही आएगा। अब जोन भी आ ही लिया तो भाई वो बंदा भी आ रहा है, चलो इसको डैमेज तो दिया। ओके, सोनी एक्टिवेट हो गया इसका, चलो मर जाएगा अब तो ये। नहीं यार, इसके पास दिमित्री है, नोक हो गया दिमित्री या फिर होरिज लाइन है, नेट गया हूँ अंदर। अबे भाई ये तो रिवाइव हो गया सेकेंडों में, चलो भाई फिर से नोक हो गया, लॉन्चर फेंकता हूँ, एक काम करता हूँ। ओके भाई हमारे यहाँ पे हो चुके भाई पूरे 4 किल एंड भाई आखिरी बंदा बचा है, इसको भी मारने की कोशिश करते हैं। पहले लूट वगैरह कर लेते हैं अपन ढंग से, मेडिकेट भर लेता हूँ और ताकि भाई देखो बिल्कुल भी कम पावर नहीं रहनी चाहिए। अब जोन में चलते हैं क्योंकि जोन आ गया है। अबे भाई डैमेज दे रहा बंदा, मैंने भाई मेडिकेट भी भर ली एंड भाई मेरे पास सेकंड एबिलिटी पड़ी थी होमर की जो कि मैंने उसके ऊपर छोड़ दी है। एंड भाई अब आगे चलते हैं, इसने मेरे पर ग्लू मेल्टर फेंक दी है और भाई मैंने वेस्ट वगैरह अपग्रेड कर दी, अब हम इसकी ग्लूबल फोड़ दें चलो। बट ये नारिया कैरेक्टर यूज़ कर रहा है, लॉन्चर फेंकते हैं।
डैमेज गया भाई इस बंदे को, लेकिन अभी रस नहीं करूंगा मैं भाई, पहले ग्लूवल के पार मारने की कोशिश करता हूँ। डैमेज जा ही नहीं रहा ग्लूवल के पार भाई, ऐसे तो एक घंटों लगा देगा, इसमें रस करते हैं फटाफट से। ग्लूवल तो लगा दी मैंने एंड भाई दूसरी साइड से जाऊंगा, देख रहा हूँ। हाँ चलो भाई, देखा ये दूसरी साइड मतलब फायर करने लग गया था, अगर मैं उधर से जाता तो मेरे को आसानी से मार सकता था, पर डैमेज भी नहीं दे पाया। एंड भाई इसका सोनी एक्टिवेट हो गया, चलो ओके, इसके पास दिमित्री नहीं था, ये मर गया। और इसी के साथ हो चुका अपना एक और बुई भाई। इस मैच में देखो भाई, आखिरी के दो ही एनिमी बचे हैं, तो भाई मैं ग्लू मेल्टर था देता हूँ, ताकि भाई ये आपस में फाइट करेंगे तो ग्लू वॉल वगैरह इनके हट जाएंगे भाई, मेरे को मतलब मौका मिल जाएगा ताकि मैं थर्ड पार्टी करके किल ले सकूँ, है ना। बट भाई ये बंदा मेरे पे रस कर रहा है। चलो डैमेज तो है भाई, एक गोली का बच गया वो। चलो दूसरे वाले को मारने की कोशिश करता हूँ, बस यहाँ पर भाई ये ना हो कि भाई ये लोग मेरे को मतलब मेरे को टारगेट बना ले। देखा भाई ये बंदा रस कर रहा है, चलो इसका तो सोनी एक्टिवेट हो गया भाई, ये मर गया। चलो अपने हो चुके यहाँ पे 8 किल इसी के साथ। एंड भाई अब एक बंदा और बचा है, अब लगता है भाई ये जोन में जाने नहीं देगा, लेकिन मैं दूसरी साइड से जाऊँगा। एंड भाई ये तो इजीली नॉक डाउन हो गया और 9 किल के साथ हो गया ये गेम हमारा बोया। देखते हैं इस मैच के अंदर हमारी कितनी बढ़ेगी। वैसे तो आप लोगों ने कोने से भी देख लिया होगा, लेकिन बैक करके आपको दिखा देता हूँ, इस मैच के अंदर हमारी बढ़िया पूरी की पूरी 28, और भाई जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब भाई इस गेम के अंदर जो ये एनिमी है ना भाई, जो सामने, इसको मैं 2 बार नॉक कर चुका हूँ भाई, ये वापस से रिवाइव होकर आ जा रहा है पता नहीं कहाँ कहाँ से, बट इस बार मैंने इसको फाइनली नॉक डाउन करके बिल्कुल क्लोज में नॉक कराया। एंड भाई इसको मैंने क्लियर कर दिया। एंड भाई अभी मेरे अलावा बचे हैं भाई 3 बंदे और, एंड भाई यहीं पे हो रखे हैं मेरे 5 किल। अब भाई देखते हैं आगे क्या होता है। भाई देखो यहाँ पर बंदे फाइट कर रहे हैं और अपने पास है AWM। चलो चलो भाई ये किल लेने की कोशिश करते हैं। ओके भाई इसको तो क्या ही हेडशॉट लगा है। एंड भाई ठीक सामने देखो एक लड़की है जिसको भाई मतलब कि मतलब फाइटिंग वगैरह कर रही है, इसको हेडशॉट मारने की कोशिश करते हैं AWM से। भाई हेड नहीं लगा यार, पर हेड पे मारा था लेकिन बॉडी शॉट डैमेज आया। अब भाई मेरे को जोन में जाना पड़ेगा, मुसीबत हो सकती है। लो चलो भाई मैं तो जोन में तो आ गया, लेकिन भाई ये लड़की को देखो अभी भी सामने फाइट करने में लगी हुई है, सिर्फ मतलब पता नहीं कि मैं इसके पीछे हूँ। एंड भाई इसके हेड मारने की कोशिश करते हैं, बट भाई ये मूवमेंट बहुत कर रही है, बिल्कुल हेडशॉट ही मारेंगे बिल्कुल बना के। अबे भाई कितनी मूवमेंट कर रही है। ओके चलो फाइनली इसके हेडशॉट लग गया। एंड भाई इसके पास दिमित्री नहीं है शायद, चलो दिमित्री नहीं है। एंड भाई ये हमारे हो चुके क्लियर। एंड अब बचा है आखिरी बंदा। एंड भाई अब चलते हैं फटाफट से आगे। एंड भाई ये रहा बंदा एनिमी, इसने दिमित्री ऑन कर रखा है यानी कि इसकी हेल्थ कम होगी। चलो नेड वगैरह का देते हैं सारे के सारे जितने नेड हैं, एक भी नहीं पड़ा अभी तक तो। ओके पड़ा भाई, उसको पड़ा। एंड भाई ये नॉकडाउन हो गया और यहीं पे हो गया हमारा बिल्कुल बढ़िया वाला बोया। लेट्स सी इस मैच के अंदर हमारी कितनी बढ़िया, मुझे पता आप लोगों ने कोने से देख लिया होगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ बैक करके इस मैच के अंदर हमारी बढ़िया पूरी की पूरी 29। अब बैक करके मैं आपको अपना पूरा स्कोर दिखा देता हूँ। एंड भाई दिखा देता हूँ कि हम लोग विंस में कितने लोगों में आ गए। ओके सबसे पहले हम देखते हैं अपने विंस के अंदर, मतलब रीजन के अंदर, विंस के अंदर, सोलो विंस के अंदर, मतलब कि हम लोग कितने बंदों के अंदर आ चुके हैं। तो भाई यहाँ पे आ चुके हैं भाई 56 बंदों के अंदर, वो भी भाई 120 विंस के साथ। आप लोग गेम के अंदर जाके चेक कर सकते हो। एंड भाई ये जो बंदा है ना 54 वाला बंदा, जिस पर भी क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, ये 54 पे यही है ना, हाँ यही है। इस बंदे ने भाई मेरे को कल कमेंट करा था, हाँ, एंड की भाई ये बोला था कि भाई राजपूत भाई मेरे से विंस में आगे निकल कर दिखा। वैसे तो अभी विंस में मैं इससे एक विन में पीछे हूँ, लेकिन भाई एक बुईया मैं कभी भी कर लूंगा। देखते हैं भाई आज रात में ही मैं अगर खेलूंगा ना तो भाई इसको तो पीछे कर ही दूंगा। और वहीं पे आप लोग देख सकते हो भाई मैं रैंक में आ चुका हूँ 1334 प्लेयर्स के अंदर, और आप लोग रैंक भी देख सकते हो भाई 10761 हमारी रैंक है, हाँ मतलब की हमारी रैंक पॉइंट्स है। उसी के साथ भाई मैं दिखाता हूँ आपको अपनी केडी की, हमारी केडी कैसी चल रही है। वैसे केडी तो कुछ इतनी खास है नहीं, फिर भी आप लोग पोस्ट कर देख सकते हो हमारे स्टैट्स। और आप लोग अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब भाई ये है कि आपको वीडियो थोड़ी बहुत तो पसंद आई रही होगी। तो भाई देखो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, इससे आपका नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरे को मोटिवेशन मिलेगी एक और ऐसी मजेदार वीडियो बनाने के लिए, और फ्यूचर में आप लोग ऐसी मजेदार वीडियो देख पाओगे। दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।